प्लांटर सोरियासिस यानी कि एक ऐसी स्किन की बीमारी जो पाम्स यानी हाथ के तलवों पे और सोल्स यानी पाओ के तलवों पे अटैक करती है, जिस वजह से वहां पर का स्किन का रंग चेंज हो जाता है, चमड़ा बहुत फ्लेकी, बहुत मोटा थिकन स्किन हो जाती है, क्रैक्स पड़ते हैं, इवन ब्लीडिंग भी देखने के लिए मिलती है और काफी ज्यादा खारिश होती है। इस बीमारी का नाम है पामोप्लांटर सोरियासिस। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय भी यही बीमारी है। पामोप्लांटर सोरियासिस एक टाइप ऑफ सोरियासिस है जिसको हम क्रोनिक प्लाक सोरियासिस बोलते हैं। इस बारे में पूरा वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके दो सब टाइप्स हो सकते हैं, या तो पस्टुलर सोरियासिस हो सकता है या प्लाक सोरियासिस हो सकता है। प्लाक मतलब आपका थिक स्किन है, बहुत मोटा चमड़ा है, हल्का सा रेज्ड होता है और गोलाकार होता है या इरेगुलर मार्जिन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। पस्टुलर फॉर्म में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, बस उसमें पस के बारीक बारीक से दाने आपको देखने को मिलेंगे, यानी मवाद के दाने से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पस्टुलर सोरियासिस एंड प्लाक सोरियासिस। अगर हम बात करें कि ये किस एज ग्रुप में बड़ा कॉमन है, तो सबसे जो एज ग्रुप कॉमन है वो है 20-60 इयर्स, यानी कि यंग पॉपुलेशन से लेके ओल्ड पॉपुलेशन को मिल सकता है। इस बीमारी को हम विंटर डिजीज भी कहते हैं, यानी कि सर्दियों में होने वाली बीमारी, यानी कि कोल्ड एंड ड्राई वेदर में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं ज्यादा, जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें बीमारी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसके कॉज के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून की वजह से क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, तो जो आपको स्किन फ्लेक्स से झड़ता हुआ दिखता है, एक्चुअली वो स्किन ही निकल रही है, सेल्स ही झड़ते रहते हैं। और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें कॉमनस फिनोमिना काम करता है, वो ये बोलता है कि अगर आपको कहीं पर चोट लग गई, आपने कहीं पर का स्किन खुरच दिया या जख्म बन गया, तो वहां पर पपड़ी और ज्यादा जम जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि चोट फटाक से आपको बचना चाहिए, आपको खारिश नहीं करनी चाहिए इस केस में। ये एक नॉन कंटेजियस बीमारी है, मतलब अगर ये आपको ही तो आपके परिवार वालों को या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं फैलेगी। इसलिए थोड़ा ये सोशल इश्यूज होते हैं, स्टिग्मा रहता है, आपको इसलिए समझना जरूरी है कि ये कंटेजियस नहीं है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, अगर आपके पाम्स में एंड सोल्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रही है, तो और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। हो सकता है एक्जिमा हो सकता है पॉम्फलिक्स हो सकता है फिशर्ड फीट हो। इसलिए आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि एग्जैक्ट आपका बीमारी है क्या, क्योंकि हर बीमारी का अलग ट्रीटमेंट होता है। इस केस में आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, फ्लेकी स्किन हो जाता है, हल्का सा पर्पलिश कलर होता है। जब ये ठीक होने लगता है तो हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन, या तो स्किन का कलर सफ़ेद हो जाएगा या तो स्किन का कलर काला सा देखने के लिए मिलता है। स्किन बहुत थिक हो जाती है, रेज्ड होती है, उभार हुआ होती है, काफ़ी इसमें खारिश होगी, बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होती है, ब्लीडिंग होती है, स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अगर हम इसके सीवियर रूप की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था पस्टुलर फॉर्म में, तो बारीक बारीक पस के दाने आपको इसमें देखने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो तो ये सीवेरिटी वाला फॉर्म है, इसलिए आपको तुरंत अपने नज़दीकी चमड़े के डॉक्टर को इमिडिएटली दिखा लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसके रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, तो देखिए ट्रिगरिंग फैक्टर्स ये है कि आपका हाथ और पांव तो 2400 घंटे प्रयोग में है, आपने बर्तन कपड़ा साबुन मिट्टी धूल डस्ट का कोई काम किया, तो आपकी बीमारी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जो फार्मर्स होते हैं, जो घर की महिलाएं हैं, घर के काम कर रहे हैं, या ऐसे कोई प्रोफेशन में फैक्ट्रीज में है, केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। इसमें स्किन पूरी फ्लेकी हो जाएगी, स्किन में क्रैक्स पड़ रहे हैं, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि कोई बीमारियों में अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है, अगर आपको थायराइड की बीमारी है, अगर आपको आर्थराइटिस है, किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, उस केस में भी बीमारी बढ़ी हुई देखने के लिए मिल जाती है। जो लोग शराब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ओबीज हैं, किसी को डायबिटीज़ है, उस केस में भी बीमारी देखने के लिए इजीली मिल जाती है। तो आपको जरा अपना ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं ये बीमारी एकदम से बढ़ ना जाए। बहुत केस में क्या होता है, जब आप कोई एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, पेन किलर्स का प्रयोग करते, किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स की बीमारी है, उसने एजिथ्रोमाइसिन नामक कोई गोली खा ली या कोई पेन किलर्स ले लिया, तो हम देखते हैं कि सोरेटिक लेजन एकदम से बढ़ जाता है। तो ये भी आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी दवाई से ट्रिगर हो रहा है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। मौसम की वजह से ट्रिगर होता है, ठंडा मौसम हो जाए, पहाड़ में बर्फ गिर गई, एकदम से बीमारी बढ़ जाती है। समर्स में थोड़ा हमें कम देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, वक्त रहते ट्रीटमेंट करवाइए,
बीमारी 100% ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, इसलिए इसे हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज भी बोलते हैं। और ट्रीटमेंट काफ़ी आपको लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, और हो सकता है कि हर साल विंटर्स में बीमारी आए तो आप तुरंत इसका ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो है, इसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की टॉपिकल क्रीम्स ऐड कर देते हैं, कभी कभी इसमें सैलिसिलिक एसिड के कुछ तत्व ऐड करते हैं अगर फ्लेकी स्किन ज़्यादा रहती है। सेकेंड, हम इसमें हम जो ऐड करते हैं वो विटामिन डी, सिंथेटिक विटामिन डी टॉपिकल ट्यूब्स के फॉर्म में ऐड करते हैं, ये काफ़ी एफिशिएंट है। इसमें हम फोटोथेरेपी दे देते हैं, अल्ट्रावायलेट एन बी दी जाती है, ये भी काफ़ी एफिशिएंट है, यानी फोटोथेरेपी भी काफ़ी एफिशिएंट है इस केस में। इसमें हम लोग रेटिनॉइड्स ओरल पिल्स के फॉर्म में, इम्यूनोसप्रेसेंट ओरल पिल्स के फॉर्म में देते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेंट वगैरह, ये भी काफ़ी एफिशिएंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, पर रिलैप्स होने के चांसेस हैं, बार बार बीमारी के आने के चांसेस, इसलिए प्रिकॉशंस रखिए। हाथ और पाँव को ड्राई होने मत दीजिए, आप जितना स्किन पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए, अगर आप 50 बार लगा रहे हैं 100 बार लगा रहे हैं तो लगाते रहिए। जब बर्तन कपड़ा साबुन मिट्टी धूल डस्ट के ऐसे कोई काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, दस्ताना पहन के काम करिए, स्किन को खुजली बिल्कुल मत करिए। इसके लिए हम एंटीस्टामिन्स वगैरह ऐड कर देंगे, खुजली की गोली ऐड कर देते हैं ताकि पेशेंट का थोड़ा सा खुजली करने की जो इंटेंसिटी है, इच्छा है, वो थोड़ी दब जाए, और उसको आप कभी भी पकड़ के निकालेंगे नहीं, स्किन को पील आउट नहीं करेंगे इस केस में। इस केस में कभी कभी नाखून का कलर चेंज हो जाता है, नाखून बहुत मोटे से हो जाते हैं, उसमें पिटेड देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए हम कुछ आपको लोशन के फॉर्म में मेडिसिन ऐड कर देते हैं जिससे नाखून भी हमारे ठीक हो सकते हैं। अगर सही सब कुछ किया तो सोरेसिस क्योरेबल भी है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कॉमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।